क्या आप मेरी एक बात मानेंगे कि ये वही कांग्रेस है जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर कभी 309 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करी थी, और आज ये वही कांग्रेस है जो किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई है। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। आज बातचीत करने वाले हैं कांग्रेस की बिगड़ती हालत के बारे में, उनके कारणों के बारे में कि आखिरकार कांग्रेस की ऐसी नौबत क्यों आ गई कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को मजबूर हो गई। हाँ, ये वही पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक इतिहास बनाया था कि योगी आदित्यनाथ सरकार से पहले कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने उत्तर प्रदेश में लगातार दो बार सरकार बनाई थी, और आज ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अपने जनाधार को तो खो ही चुकी है, साथ ही साथ अपने जो पहचान है उसका पहचान उसका सिंबल पंजे पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या होंगे ऐसे कारण, उसी पर बातचीत होगी। कांग्रेस ने अभी लोकसभा 2024 के चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन किया उससे ये चीज़ साफ निकल कर आई कि अभी भारत में विपक्ष जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर देने वाला भी है। लेकिन उसके बाद कॉन्फिडेंस जो है ओवर कॉन्फिडेंस में बदला। 2024 में लोकसभा चुनाव जो हुआ उसके परिणामों ने कांग्रेस को कॉन्फिडेंस दिया, वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया। फिर उसके बाद उसका जो एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट निकल कर आया, उनके ओवर कॉन्फिडेंस का जो एक रिजल्ट निकल कर आया, वो आया हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। सारे स्टैट्स कह रहे थे, सारी खबरें कह रही थी, सारी रिपोर्ट्स कह रही थी कि कांग्रेस को कोई हरियाणा में चुनाव नहीं हरा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बना ली है और ये इतिहास रच दिया है हरियाणा की राजनीति में। और वहीं से कांग्रेस का जो एक कॉन्फिडेंस जो बूस्ट हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें जीतकर, वो यहाँ पर फिर से डाउन हो गया है और स्थिति ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जो उनका गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, एनडीए गठबंधन है, उसमें अब वो समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले तो सीटों की मारामारी चल रही थी क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी के नेता हैं और उन्हीं की पार्टी है, तो बात तो भाई सीटों पर आएगी आएगी, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ में कांग्रेस ने किया, हरियाणा में किया, तो अखिलेश यादव के मन में था तो ही भैया कि मेरे साथ गड़बड़ हुआ है तो फिर हमारे गढ़ में आप आएंगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। हुआ भी वही, अखिलेश यादव ने कहा कि दो सीटें, एक दो सीटें ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, बहुत दिन तक मामला अटका रहा। फिर स्थिति ये आई कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो है उन्होंने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर एक दो सीटों पर मामला बना। अब जो भी टिकट, जब कल नामांकन होंगे, जब सारी चीज़ें सामने आएंगी, अगर गठबंधन का कोई प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ता है तो वो साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। आम आदमी पार्टी का कोई अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कोई इस तरीके का मामला नज़र नहीं आ रहा है। नाम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए दूसरा विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसके बारे में चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से बेहतर प्रदर्शन करके इस बार कुछ ज़्यादा सीटें जीती और उनके गठबंधन ने ज़्यादा सीटें जीती, तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई था और वो सोच रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो कभी हमारा जनाधार हुआ करता था, जैसे कभी 309 सीटें हम जीत गए थे, कभी हम लगातार 10 साल सरकार में रहे, तो वो उसको हम दोबारा वापस ले आएँ और कांग्रेस की जो रेल है, जो पटरी से उतर गई है, उसको फिर से दौड़ा दिया जाए। तो ये मामला उन्होंने सोचकर शुरू किया, लेकिन अपने कर्मों में फंस गए क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में, अखिलेश यादव के साथ में अन्य राज्य के चुनाव में कांग्रेस ने काम किया वहाँ पर, और वही काम अब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो जहाँ मजबूत दिखा वो वहाँ पर अपने ही भलाई के बारे में सोच रहा है, जो गठबंधन की विफलता के कारण भी हैं। और न सिर्फ केवल उत्तर प्रदेश बल्कि कांग्रेस की स्थिति यह है कि झारखंड में भी उनका गठबंधन काम नहीं कर रहा है, वहाँ भी जिन पार्टियों के साथ में उन्होंने गठबंधन करके झारखंड में चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था, सीटों के लेकर मतभेद हुए और अन्य पार्टियों ने भैया कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे, आप अपना चुनाव लड़िए। तो ये स्थिति है कांग्रेस की। अब सवाल आता है कि ऐसी स्थिति कैसे कांग्रेस की हो गई। ये वही कांग्रेस है जो एक लंबे समय तक केंद्र में रही, भारत की सरकार कांग्रेस ने चलाई, ऐसी स्थिति कैसे आ गई कि अब वो अपने जनाधार के लिए अन्य पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया? मेरे पास कुछ 4-5 बिंदु हैं जो मुझे लगता है कि इन कारणों की वजह से कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है। पहला, मुझे लगता है कि
जो एक परिवारवाद की चेन चली आ रही है, कांग्रेस मतलब गांधी परिवार, कि वो भैया उन्हीं की फैक्ट्री है, बस वहीं से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो निकल रहे हैं, यही एक सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर रहा जिसकी वजह से आपसी कलह हुई। यही दूसरा पॉइंट भी है कि नेताओं में आपसी कलह हुई और अपने अस्तित्व को दिखाने और बचाने के लिए अन्य नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा, जिन्होंने उनकी नींव को बनाया उन्होंने उसको छोड़ा और उसके बाद कांग्रेस की हालत बिगड़ती गई। दूसरा, जनता के साथ में थोड़ी धोखेबाजी, और उसके बाद ऐसे नेताओं का चयन करना जो जिनकी छवि आम जनमानस में अच्छी ना हो, उसके बाद भी उन्हें बड़े दायित्वों की जिम्मेदारी दे देना, फिर उसके बाद भले ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवारवाद की रीत को तोड़ते हुए बनाया गया, लेकिन आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कौन कितना देखता है ये आप खुद जानते हैं। इसका एक वीडियो भी अभी सामने आया जिसमें प्रियंका गांधी वायनाड में नामांकन के लिए गई और दरवाजे से झांकते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखे। ये स्थिति है, जब ऐसी स्थितियां दिखती हैं एक पार्टी फैक्ट्री बनकर रह जाती है जिसके मालिक 4-5 हैं तो गर्त में जाना तो निश्चित है, क्योंकि वो फैक्ट्री तो है नहीं, वो तो एक पार्टी है जो भारत में अलग अलग राज्यों में और पूरे देश में राजनीति करने के लिए बनी हुई है, इसमें कोई मालिकाना हक तो चलेगा नहीं। तो ये कुछ कारण रहे जिनकी वजह से कांग्रेस गर्त में गई, लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ रही और अखिलेश यादव ने जब इसको ट्वीट करके बताया तो वाकई कांग्रेस पर जिस तरीके की बातें उठने लगी कि कांग्रेस यही वही कांग्रेस है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास रचा था, 309 सीटें तब जीती थी जब प्रदेश में 425 विधानसभा सीटें हुआ करती थी। ये बात है 1980 के बाद की जहां कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। आपको क्या लगता है कि क्या कोई और कारण हो सकते हैं जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के जनाधार को, अस्तित्व को बिल्कुल खत्म कर दिया है, या फिर देश के अंदर उनके अस्तित्व को धीरे धीरे जो है दीमक लग गया है, वो खा रही है, क्या कारण हो सकते हैं आप अपनी राय में कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।